यह वीडियो क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 16 का पार्ट 3 है, तो इसके दो पार्ट्स को आप जरूर देखें। तो हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला होता है आहार नाल, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत बता दिया है, और दूसरा क्या होता है, पाचन ग्रंथियाँ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में, और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पाचन कैसे होता है। तो आप पहले के पार्ट्स को देखें, लगातार वीडियोज़ को देखें, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, फिर यकृत के बारे में पढ़ना है, और फिर अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। तो लार ग्रंथियों का, जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया था कि लार ग्रंथियों का निर्माण तीन जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि लार ग्रंथियों के निर्माण में तीन जोड़ी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला हो गया गाल में, ये होता है कर्णपुर। दूसरा क्या हो गया कि निचले जबड़े में अधोजंभ, और तीसरा क्या हो गया, जिह्वा के नीचे अधोजिह्वा। तो तीन आपको नाम याद कर लेना है। कर्णपूर्व हो गया, कर्णपूर्व जो मैंने आपको दिखाया था, अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ। फिर निचले जबड़े में क्या हो गया, अधोजंभ, और फिर क्या हो गया, अधोजिह्वा। तो ये तीन भाग हो गए लार ग्रंथियों के, ये तीन जोड़ी के रूप में स्थित होती हैं। तो अभी मैं तुरंत आपको दिखा दे रहा हूँ चित्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कर्णपूर्व ग्रंथि है ये लार ग्रंथि का यहाँ पर, और दूसरा क्या हो गया आपका, अधोजंभ, यहाँ देख सकते हैं अधोजंभ को दिखाया गया है, और अधोजिह्वा। तो यहाँ पर अधोजंभ यहाँ पर है और अधोजिह्वा यहाँ पर है, टंग के नीचे, ये देखिए ये टंग है, इसके नीचे अधोजिह्वा है और यहाँ पर अधोजंभ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये तीन लार ग्रंथियों की जोड़ी होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंभ और अधोजिह्वा। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, लार निकलता है जो कि मुख गुहा में पहुंचता है, और यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि यह कैसे पाचन क्रिया में सहायक होगा। जैसे कि यदि मैं इमली इमली आम आम बोलूं, तो आपके मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। तो ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायक होता है, वह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका आ गया, ये नाम, तो आप देख सकते हैं यकृत के बारे में बताया गया, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। तो यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर ग्रंथि, हम लोग कैसा ग्रंथि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पाचन ग्रंथियों का बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियों के अलावा भी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यकृत क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वयस्क में भार लगभग कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यह उदर में मध्यपट के ठीक नीचे स्थित होता है, और इसकी दो पालियां होती हैं, दो लोब्स होते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि यकृत में कितने लोब्स होते हैं, तो दो लोब्स होते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, यकृत पालिकाएं, यह आपको याद रखना है। यकृत पालिकाएं क्या होती हैं, यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यकृत कोशिकाएं रज्जू की तरह व्यवस्थित होती हैं। तो आपको ये याद रख लेना है, यकृत पालिकाएं। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि यकृत की यानी कि लीवर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इसका नाम क्या है, यकृत पालिकाएं। नाम आप फिर से पढ़ लीजिए, यकृत पालिकाएं, जिसके अंदर यकृत कोशिकाओं रज्जू की तरह व्यवस्थित होती हैं। तो इसके अंदर कौन, यकृत कोशिकाएं रज्जू की तरह क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, ये आगे फोटो में दिखाया भी गया है। प्रत्येक पालिका संयोजिक उत्तक की एक पतली परत से ढकी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रत्येक पालिका है, कौन सी पालिका, यकृत पालिका, संयोजी उत्तक आप जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली लेयर से ढकी होती है, जिसे ग्लिसेंस कैप्सूल हम लोग कहते हैं। तो ग्लिसेंस कैप्सूल आपको याद रखना है, मैं अभी आपको तुरंत दिखाने वाला हूँ। तो ये इंग्लिश में नाम है ग्लिसेंस कैप्सूल। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से, तो यकृत की कोशिकाओं से किस चीज़ का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है।
तो ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ग्लिसंस कैप्सूल के बारे में आपको याद रखना है, यकृत पालिकाएं याद रखना है, और यकृत की कोशिकाओं से किस चीज़ का स्राव होता है, तो पित्त का स्राव होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि लार की ग्रंथियों से किस चीज़ का स्राव होता है, तो लार का स्राव होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है। और यह यकृत नलिका से होती हुई फिर आगे आप देखेंगे होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित और इकट्ठा होती है। तो यह जो पित्त है वह कहाँ इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे कि ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय ये देख सकते हैं आप, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पित्ताशय की जो नलिका है, ये देखिए ये है पित्ताशय जहाँ पर पित्त जमा होता है, इकट्ठा होता है। तो इसकी एक नलिका है जिसे हम लोग बोलेंगे पित्ताशय वाहिनी। तो ये जो पित्ताशय की नलिका है जिसे हम लोग पित्त वाहिनी बोल रहे हैं, यह यकृतीय नलिका से मिलता है। ये देख सकते हैं ये यकृतीय वाहिनी से मिल रहा है, उसके नलिका से मिल रहा है। और मूल पित्त वाहिनी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूल पित्त वाहिनी बनाता है। तो एकदम आपको क्लियर है कि पित्ताशय की ये जो वाहिनी है यकृत वाहिनी से मिल रहा है, और ये दोनों मिलके मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कर रहा है, और ये आगे की ओर यहाँ बाद आप देख सकते हैं खुल रहा है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये मूल पित्त वाहिनी है, फिर यहाँ पर आगे की ओर खुल रहा है। तो ये कहाँ पर खुल रहा है, तो ये ग्रहणी में खुल रहा है, लेकिन इसके पहले एक और रचना का निर्माण कर रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत अग्नाशयी वाहिनी। तो ये कैसे बन रहा है, अब देख सकते हैं आप, ये हो गया अग्नाशय और ये हो गया मूल पित्त वाहिनी। तो ये दोनों आपस में यहाँ देख सकते हैं ज्वाइंट हो गया है, ज्वाइंट होके यकृत अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण करती है, और फिर यह आगे ग्रहणी में खुलती है। तो आप बता सकते हैं कि ग्रहणी क्या हो गया, यही है ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का पहला भाग है जिसे हम लोग ड्यूओडेनम भी कहते हैं, या सी आकृति की होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये दो नाम आपको याद रखना है कि मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कैसे होता है, फिर यकृत अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण कैसे होता है, ये सबको आपको याद रख लेना है। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ लेना है, अग्नाशय के बारे में पढ़ लेना है। तो अग्नाशय यहाँ दो प्रकार से हम लोगों के शरीर में महत्व रखता है। सबसे पहला क्या हो गया, इसी से इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे जो कि डायबिटीज़ के रोकथाम में मदद करेगा। और दूसरा यहाँ पर पाचक रस का निर्माण होगा, जो कि क्या करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग भोजन का पाचन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पाचन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग भोजन कैसे पचता है उसको देखेंगे अग्नाशय के द्वारा। तो आप देख सकते हैं अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। तो यू आकार का ग्रहणी है, तो कहीं यू आकार लिखा हुआ है, कहीं सी आकार लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही याद कर लेना। तो ये ग्रहणी के बीच में ये देख सकते हैं यहाँ अग्नाशय स्थित है। तो एक लंबी ग्रंथि है जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो बहिःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथि होता है उसमें जो स्राव होता है वह ब्लड में नहीं मिलता है, वह वाहिनी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में जो केमिकल निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, वह सीधे कहाँ चल जाता है, ब्लड में चला जाता है, रुधिर में चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है इनके बीच का डिफरेंस। दोनों ही ग्रंथियाँ की तरह कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अग्नाशय जैसे मैंने बताया दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करेगा, इसको बहिःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और अंतःस्रावी भी ग्रंथि कहते हैं। तो आप क्या आप बता सकते हैं कि ये जो लीवर हमने पढ़ा, लार ग्रंथि पढ़ा, वह बहिःस्रावी है कि अंतःस्रावी है, तो वह बहिःस्रावी ग्रंथि है।
तो यहाँ पर अग्नाशय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यह दोनों के तरह कार्य करता है। बहिःश्रावी भाग में से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होता है और भोजन का पाचन करता है, तथा अंतःश्रावी भाग से इंसुलिन बनता है जो कि डायबिटीज को रोकथाम में मदद करता है। तो ये हम लोगों को याद करना है। तो अंतःस्रावी भाग से यहाँ पर दो नाम याद करने के लिए आपको बोला गया, तो दोनों यहाँ पर याद करिए, पहला इंसुलिन है, दूसरा ग्लूकागोन है। तो इंसुलिन का क्या कार्य होता है, ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय की वाहिनी तंत्र इसको दिखाया गया है। तो सबसे पहले जैसे पित्ताशय है, फिर आप देख सकते हैं पित्ताशय वाहिनी को दिखाया गया है, यकृत वाहिनी को दिखाया गया है। ये दोनों मिलकर एक कॉमन पैसेज बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल पित्त वाहिनी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर खुल रहा है, तो यहाँ पर अग्नाशय का ये वाहिनी भी खुल रहा है। तो यहाँ फिर एक कॉमन डक्ट का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। और ये कहाँ खुल रहा है, तो ग्रहणी में खुल रहा है जो कि भोजन के पाचन में फिर आगे मदद करेगा। तो आगे का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आप कमेंट में बताते जाइए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको और कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियो पढ़ने हैं, तो मैं सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाते चलूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।